हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीएम स्टडी पॉइंट ओडिशा। आज जो क्लास अच्छी से लॉगरिथम बेस्रे अच्छी। जो बीड रो जो अपकमिंग एग्जाम आसी, जो मैंने प्रिपेरेसन करुच बीड एग्जाम पाई, से बहुत ही इंपोर्टेंट ए भिडियोटी, जोटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा पूरी सेट अच्छी। 20 क्वेश्चन आम ये सल्व करवा, आ यार कन्सेप्ट भी मुझे तुमको क्लीयरली कहीदेवि। जो मानकर किसी भी डाउट हम ना, से कमेंट सेक्शन में निहाती मेनसन कर, आ फुल्ली मुझे रेस्पोंड करने को ट्राए करी। तो लेट न करी आज क्लास को स्टार्ट करवा, बट समस्त को मोर गोटे रिक्वेस्ट, ये वीडियो को निजर फ्रेंड सर्कल सहित सेयार करूँ। एंड ता सहित जो मैंने आम टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना हो ना, समस्ते जॉइन करनी हो, जो कि क्लास रो अपडेट तुमको से मिल जाव। ठीक है, तबे आराम से निजर पेन आउ कॉपी धरिकी बसी जाओ, क्वेश्चन को देख, मुझे निजे सल्यूशन करुच, तुम्हें भी सल्यूशन करने को ट्राए कर। एंड जो भी तुम्हें सल्यूशन छुटुच ना, तेज मो सल्यूशन को देख। ठीक अच्छे, आदि तुम्हें किसी अलग वे रे सल्यूशन कर पार्च, देन इट्स ओके। बस एनसर बाहर दरकार, प्रोसेस को बटे होते भी चलो। ठीक अच्छे, आउ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा जे लिखाई है, इफ लॉग टू इज इक्वल टू 0.3010 एंड लॉग थ्री इज इक्वल टू 0.4771, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 512/5 इज दिस। तो देख एठीना तुमको लॉग थ्री रो जो वैल्यू अच्छी ताहार यूज टोटाली आम मैथ्रे करवा, सल्यूशन जिते बारा यार यूज आम दरकार नहीं, केवल लॉग टू रही यूज पड़े। तो आम पाखे क्वेश्चन ये अच्छी ना लॉग 512/5, तो यहाँ को आम ब्रेक करवा। तो लॉग 512/5 अच्छी फाइव। ठीक अच्छे, तो लॉग 512 को आम ये लिखिपर ना लॉग 512 डिवाइडेड बाय लॉग 5 बोली हम कि नहीं। ये लॉग फॉर्मूला अनुसार लॉगरिथम बहुत सारा फॉर्मूला अच्छी, तो ता फॉर्मूला अनुसार एटा भी आम लिखिपर। देन देख लॉग 512 को आम एमती केमती लिखिपर ना 2^9 बोली लिखिपर। ये लॉग 2^9 डिवाइडेड बाय आ लॉग 5 टा को आम लिखिपर ये लॉग 10/2। क्लीयर हो गला एतिक। एबे आम कौन करवा ना लॉग ये जो 2^9 अच्छी, 9 टाइट आस मल्टीप्लाई होने आराम से लिखिपर जे 9 लॉग 2 बोली डिवाइडेड बाय लॉग 10/2, ताक आम लिखिपर ये लॉग 10 - log 2 बोली। क्लीयर हो गला एतिक। देन ये अच्छे आम पाखे लॉग 10, ताने लॉग 10 वैल्यू आम जानते 1 बोली इज इक्वाल टू 9 × log 2 रैल्यू। अलरेडी आम क्वेश्चन आमको मेनसन कराई के 0.3010 डिवाइडेड बाय लॉग 10 वैल्यू 1 माइनस लॉग 2 अगेन आम वैल्यू पकेबा जे 0.3010 बोली। तो ये जदि यही तुम मल्टीप्लाय कर यार रेजल्ट तुम के 9 × 0.3010 रैल्यू आस 2.709 डिवाइडेड बाय 1 रो जदि टाको माइनस करिवो ताले इयर रिजल्ट केते आसिबो ना 0.699। एबे जेहेतु डेसिमल परे सेम डिजिट अछि ताले आमे डायरेक्टली ताको लिखि परिबा जे 2709 डिवाइडेड बाय 699 बोली। ठीक अछि, एबे एई दिरा को तुमे काटिबो ना, दुइ जनको डिवाइड करिवो ता रिजल्ट केते आसिबो ना 3.876 जोड़ा कि ऑप्शन नंबर सी रे अच्छे। ठीक अच्छे, तेल यही 1 नंबर क्वेश्चन आंसर के ऑप्शन नंबर सी 3.876। एबे क्वेश्चन नंबर 2 को आस, कौन अच्छी ना लॉग रूट 8 डिवाइडेड बाय लॉग 8 इज इक्वल टू डैश। यहाँ बहुत ही इजी अच्छी, आराम से सॉल्यूशन तुम्हें कर मुहरे भी। तो ये आम लॉग रूट 8 को लिखिपर जे लॉग 8^2 बोली डिवाइडेड बाय लॉग 8 को लॉग 8 रहिला। ठीक अच्छे, देन ए हाफ टाइटी आस मल्टीप्लाई हो लिखिपर हाफ इंटु लॉग 8 डिवाइडेड बाय लॉग 8, तो लॉग 8 को लॉग 8 कैंसल रहिला आंसर के 1/2 बा हाफ, जोटा कि अच्छे ऑप्शन नंबर सी रे। ठीक अच्छे, यहाँ बहुत इजी थी, आउ जस्ट 5 सेकेंड रे बाहरी आस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छी ना इफ लॉग 27 इज इक्वल टू 1.431 देन द वैल्यू ऑफ लॉग 9। तो ये क्वेश्चन ने लॉग 27 दे राइट, तो आमको लॉग 9 रो वैल्यू बाहर करार अच्छी। तो लॉग 27 रु आम आगे बाहर करवा लॉग 3 रो वैल्यू
देन लॉग 3 रु बाहर करबा लॉग 9 रे वैल्यू क्लियर अछि। तो हमर लॉग 27 रो लॉग 3 वैल्यू पाइबा, लॉग 3 को नै कि लॉग 9 रे वैल्यू पाइ जिबा। तो फर्स्ट देखो एठी हमें लॉग 27 रो लॉग 3 रे वैल्यू केमते पाइबा। लॉग 27 लिखा है छि राइट, लॉग 27 को हमें लिखि परबा ना नै जे लॉग 3 टू दिपार 3 बोली, क्या 3 टू दिपार 3 जी 27 भी सीए जोटार भैल्यू केत ना 1.431 बोली। बर्तमान ये जो 3 टाटे पावर अच्छी पावर टाइम आज मल्टीप्लाई होगा 3 लॉग 3 इज इक्वल टू 1.431 राइट। एबे लॉग 3 एटी मल्टीप्लाई करछि आर पटो गले डिवाइड हे जइबो ताने लॉग 3 रो वैल्यू एटी केते हे जइबो ना 1.431 डिवाइडेड बाय 3। तेबे जदि एइतरा को तुम्हें काटिबो ताले तार आंसर केते आसिबो, आंसर एठी आसिबो जे 0. एइतरा को काटले आसिबो 0.477। तो कहार वैल्यू टी भला ना लॉग 3 रो वैल्यू भला एठी जे 0.4 नंबर क्वेश्चन कर सब बहुत ही इजी क्वेश्चन तुमको कही थी मैं मूल रूप। तो क्वेश्चन लॉग ए लॉग ए बाय बी प्लस लॉग बी बाय ए इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी हमें लॉग 9 का वैल्यू केमते पाइबा। इनको भीतर लॉग 9 टा को सीक्वेंस में केमते लिखि परबा ता लॉग 3 टू द पावर 2 बोली लॉग 9 टा को लिखि परबा 3 टू द पावर 2 बोली। तो बर्तन 3 टू द पावर 2 जेते हमें लिखि देले ए 2 टा टी तळा सी कोन हे जीवो बा साइड रा सी डिवाइड मल्टीप्लाई हे जीवो तो 2 इनटू लॉग 3 हे जीवो। तो 2 इनटू लॉग 3 लॉग 3 रे वैल्यू ऑलरेडी तुम एडी पाइलो जमे तुम एडी केते लिखि परबा ना 2 इनटू 0.477 आ जदी एई दिटा को तुम मल्टीप्लाई करलो जे 0.477 इनटू 2 ताले तुम पाखरे रिजल्ट केते आस जीवो ना 0.954 जोटा कि तुम ऑप्शन नंबर सी रे ही अछि 0.954 बोले। तो बर्तन भलसे लक्ष्य करे एटी लिखाई लॉग ए बाय बी प्लस लॉग बी बाय ए ताले आमे दि जण केटी लिखि परबा जे लॉग ए बाय बी इनटू बी बाय ए ठीक अछि काहे ना दि जण प्लस हे कछथि। तो जदि प्लस हे कि थांथि ताले आमे ताको इनटू फॉर्मूले लिखि परबा इज इक्वल टू कहा स कंपेयर हम त कर परबा ना लॉग ए प्लस बी संगरे जेटा कि होल ले अछि। देन देखो एटी बी को बी कटि गला ए को ए कटि गला एटी टोटल ऊपर रहिला केते 1 त आमे एटी लिखि परबा एलएचएस साइड रे जे लॉग 1 इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी बोली। बर्तन दी पटे लॉग अछि लॉग को लॉग कैंसिल रहिला एटी केते ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 जोटा कि ऑप्शन नंबर ए रे हमर अछि ठीक अछि। तेबे क्वेश्चन नंबर 5 को आस कौन लिखा अछि इफ लॉग 7 बेस 10 इज इक्वल टू ए देन लॉग 1/70 बेस 10 इज इक्वल टू डेस। तो फर्स्ट एटी सब ऑप्शन तुम्हें देखनी हो देन देखिए यार सॉल्यूशन कौन अच्छी। तो आम पाखे कहार वैल्यू बाहर करार अच्छी ना लॉग 1/70 जार बेस अच्छी 10। तो देख यटा 1/70 फॉर्मूला अच्छी मैंने डिवाइडेड होने लिखिपर जे लॉग 1/10 माइनस लॉग 70 बेस 10 बोली ठीक अच्छे। बर्तन लॉग 1/10 रे वैल्यू हम समस्त को जाने जे 0 लॉग 1 रे वैल्यू केते थाय ना 0 थाय माइनस। तो लॉग 70 जोटा लिखा है लॉग 70 टा को आम ये कौन कर परबा ना 7 × 10 बोली आ तार बेस हम 10 लिखि परबा ठीक अच्छे। तो ये 0 − 0 भी तो कैंसल एमती रही गला तो माइनस ऑफ लॉग 7 बेस 10 कहीं मल्टीप्लाई होते तो आम नेक्स्ट स्टेप कौन करें तो आडिशन फॉर्म को नहीं आसती प्लस हाँ सॉरी तो ये प्लस टा कौन हो माइनस कहीं माइनस 1 ऑलरेडी आगुरी अच्छे ये माइनस 1 ठीक अच्छे। तो ये माइनस लॉग 10 बेस 10 क्लीयर एतिक पर्यटन समस्त क्लीयर मुझ कौन पर माइनस माइनस लिखिली कहीं माइनस ऑफ थिला तो ये टोटाल जेहतु माइनस ऑफ अच्छी ब्राकेट उठ तो तार साइन समस्त चेंज हो। तो ये देख ये तुम पाखे वैल्यू कौन दिखाई है क्वेश्चन ऑलरेडी आगे मेंशन थिला जे लॉग 7/10 रो वैल्यू तुम ये ए लिखियो बोली तले हम एटा को लिखिबा तले कौन ये आंसर बाहर इज इक्वल टू माइनस ए माइनस
लॉग 10 बेस 10 वैल्यू केते 1 थाए तुम्हें ऑप्शन को लक्ष्य करिवो ऑप्शन रे सेमिती किछ भी एठी आंसर नै किंतु तुम्हें एठी ऑप्शन रे केते बेले पाइबो जदी तुम्हें माइनस रे कॉमन नै जाओ माइनस कॉमन नै जाओ ठो करते हि जबो ने ए प्लस 1 देखले बे ऑप्शन नंबर ए रे अछि ना तुम्हें आंसर माइनस ऑफ 1 प्लस ए बाय एठी ए प्लस 1 ठीक अछि त तले हम आंसर कोठे हि जबो ऑप्शन नंबर ए एबे 6 नंबर क्वेश्चन को देखो लेखाइ छि कोन रे इफ लॉग 5 बेस 10 प्लस लॉग 5x प्लस 1 बेस 10 इज इक्वल टू लॉग x प्लस 5 बेस 10 एंड प्लस 1 हुए देन x रे वैल्यू हमको बाहर करबार अछि एटे ऑप्शन अछि x रे वैल्यू 1 हबो 3 हबो 5 हबो ना 10 हबो तेठी आमे सेही फॉर्मेट पकेबा जो फॉर्मेट आमे थरे क्वेश्चन सॉल्व करथिले जेमति कि लॉग mn तो लॉग mn जे केते हबो ना लॉग m प्लस लॉग एन एटा समस्त को तुमको जाना अच्छे ठीक अच्छे आउ गोटे क्वेश्चन भी तुम्हें भलसे जान थो कनसेप्ट लॉग एम जदि बेस एटी 10 हुए इज इक्वल टू लॉग एन एटी यदि बेस 10 हुए तो बेस को बेस कटि जाए टोटाली आम एम इज इक्वल टू एन बोली कही दिखती कहते तो सेमती का तो आमको ये कौन करार अच्छी फास्ट कनसेप्ट लॉग एम एन भी पकेबार अच्छे आउ यही कनसेप्ट भी पकेबार अच्छे दुईटा कनसेप्ट आम यार सल्यूशन करवा तो देख एटि मु आउ थने तुमको भलसे क्वेश्चन लिखि देछि एथि पई कने सेठी क्वेश्चन ब्रेक हे आइथिला तुमको बुझा पड़ न थंदा तेठी हम पकर जेठी 1 लिखाई छि ए 1 टाको आमो फॉर्मेट अनुसार आमे एटि लिखि परबा कि नै जे लॉग 10 बेस 10 बोली मु जहा कहू छि भलसे सुन जे 1 टाको एथि जो 1 लिखाई छि प्लस 1 लास्ट को लिखाई छि ताको हम लिखि परबा नै कि नाई जे लॉग 10 आ बेस 10 बोली आम लिखा को कहीं पड़ो कहीं आमको एलएचएस आरएचएस सब बेस को इक्वल कराक पड़ो जो तुमको कही जमी लॉग बेस टू बेस कटिज ओनली तुम ये डोमेन साइड दिए रही तो से अनुसार आम ये लिखिपर जी वन टाक इरेज कर दूची आ वन जगार मुझे कौन लिखुची ना लॉग 10 बेस 10 जो कि एटा भी पड़े आसो लॉग एम प्लस एन जोटा एम प्लस आडिशन हो तो ये भी सही फॉर्मेट को पलि आस तेनालीरिकमें एलएचएस साइड को आगे लक्ष्य कर एलएचएस साइड जो दिरा अच्छे लॉग एम प्लस लॉग एन तेल लिखिपर ठीक लॉग एम इनटू एन बोली तेल मुझे एलएचएस साइड को आगे लिखुची जे लॉग 5 इनटू 5x प्लस 1 बेस 10 क्लीयर हो गला समस्त मु कौन पर लिखिली यटा को इज इक्वल टू आरएचएस साइड रो सेम टू सेम से हम जे एक्स प्लस 5 को आम 10 सहित मल्टीप्लाय करवा तो ये लॉग एक्स प्लस 5 इंटू 10 ता बेस भी 10 अच्छे बर्तमान लक्ष्य कर मुझक जो कनसेप्ट कही जो कनसेप्ट आम कौन करते ना बेस जेहतु इक्वाल था दुटा बेस को आम कटे दूसरे एवं तेल कौदे इक्वाल हो कह ना यही फर्मटा सहित यही फर्म इक्वाल हो आम लिखिपर जे 5 इंटू 5x प्लस 1 तो ये से इक्वाल क्या सहित हम ना 10 इंटू एक्स प्लस 5 ठीक अच्छे एबे या ठू तुम्हें ये आराम से मुझे जानी समस्त तार वैल्यू बाहर कर बोधे जे ताको मल्टीप्लाय कर 5 रो 5x के 25x प्लस 5 इंटू 10x प्लस के 50 इम्प्लायज दैट एक्स को गोटे पट को नहीं आस तो 25x माइनस 10x के 15x इज इक्वाल टू कन्स्टांट टर्म को गोटे पट को नहीं जाओ 50 माइनस 5 के 45 देन ये एक्स वैल्यू के आस 45 डिवाइडेड बाय 15 तो कटे दिवक एनसर के 3 जोटा कि ऑप्शन नंबर बी आमर अच्छी क्लीयर हो गला आम कौ कनसेप्ट पकड़े आ कौ फर्म पकड़े आठ कौन पर क्वेश्चन जो प्लस 1 लिखाई है से 1 टाक मुझे लॉग 10 बेस 10 करार मोर रीजन कौन थी बुझेगला जब मुझा न कर था तेनालीराम एम इंटू एन फर्म आसी न था कि आम लॉग 10 जो बेस्ट था से कटे पार न था आउ एक्स फॉर्मेट को आम आनी पार न था एटी 7 नंबर क्वेश्चन देख कौन अच्छी द वैल्यू ऑफ 1 बाय लॉग 60 बेस 3 प्लस 1 बाय लॉग 60 बेस 4 प्लस 1 बाय लॉग 60 बेस 5 इज दिस तो ये ऑप्शन अच्छी कौन ना 0 1 5 और 60 तो ये जस्ट खाली सॉल्यूशन पूर्व टिके खाली हिंट्स तुमको दे दूँ केमती आम करवा जेठी जो गोटे टर्म लिखाई ये 1 बाय लॉग 60
बेस थ्री लिखाई तो तार डेनोमिनेटर माने हर किए अच्छी ना लॉग 60 बेस थ्री ताको एमती ब्रेक करवा तो कौन हम ना लॉग 60 डिवाइडेड बाय लॉग 3 आम लिखिपर तो ये जेटा वन बाय थिला मान तार एसी प्रकार लेकिन आम लिखिले यहाँ उल्टी जीव कि नहीं मान यार हरटा लभ हो लभटा हर हो आमको ये कौ फर्म लिखे अच्छी लॉग 3 बाय लॉग 60 ये क्लीयर होगा मुझ कौन कली कहीं बोलते डायरेक्टली यार भैल्यूटा को यही लिखी था तुम्हें बुझीप तुम्हें भाई था मैम मतलब भूल कहीदे कहीं लॉग 60 बेस 3 भैल्यू एक्चुअली होगा कथा लॉग 60 डिवाइडेड बाय 3 मैम केमी लिखी देखिए लॉग 3 बाय लॉग 60 तो जानपाल कौन पर लिखिली कहीं वन बाय हो जेहतु वन बाय हो आम जेहतु लॉग 60 बाय लॉग 3 लिखती एवं तक लॉग 60 बाय लॉग 3 न लिखे आम लिखा लॉग 3 बाय लॉग 60 तो से भाई एटा कौन हो लॉग 4 बाय लॉग 60 सेमती एटा हो लॉग 5 बाय लॉग 60 तो ये आम सल्यूशन आड़क जा फाइनाल सल्यूशन आम कौन हम इयर भैल्यू आगे लिख मुझे तुमको कहली जे के हम डायरेक्टली आम लिखिपर जे लॉग 3 बाय लॉग 60 प्लस इयर हो लॉग 4 बाय लॉग 60 सेम टू सेम थर्ड टर्म टार आंसर ये ना लॉग 5 बाय लॉग 60 बर्तमान तुम्हें कौन लक्ष्य कर समस्त डेनोमिनेटर मैंने हर एका अच्छी यदि हर एका थे उपरटा को समस्त में आड कर दिखती तो ये के ना लॉग 3 प्लस लॉग 4 प्लस लॉग 5 डिवाइडेड बाय लॉग 60 क्लियर तो तुम्हें जापर मुझे क्लीयर करके लिखिदी से टर्म गुड़ाक तेज देख ये सब गुड़ा ये आडिशन फर्म अच्छा आम कही लगे दीवे आडिशन को आम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेसन कनवर्ट करें लिखिपर जे लॉग होल इंटू के 3 इंटु 4 इंटु 5 डिवाइडेड बाय लॉग 60 को लॉग 60 ये तीन जन को मल्टीप्लाई कले यार आंसर के तीन चो बार बार पंचा षाठी तो आंसर के लॉग 60 डिवाइडेड बाय लॉग 60 आउ लॉग 60 को लॉग 60 रे आम जब काटिद फाइनाल आंसर आम पाखे के ना वन फाइनाल आंसर के वन जोटा कि आमर कौटे ऑप्शन नंबर बी रे आम आंसर था जे यार वैल्यू आस नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी इफ लॉग 9 बाय 10 बेस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 देन एक्स रैल्यू आमको बाहर करार अच्छे ऑप्शन ये अच्छी ए रे अच्छी माइनस 3 बाय 4 तप लिखाई 3 बै 4 100 बै 81 एंड 256 बै 81 तो देख ये आमको कौ कनसेप्ट पकेर अच्छे मुझे सब सल्यूशन पूर्व तुमको कनसेप्ट कहीदे कौ कनसेप्ट पकेर अच्छे जो तुम्हें घाटी गोले हम जो मतलब कौ फर्मुला को ये फलो करार अच्छे ठीक अच्छे तुमको एक्स रैल्यू दरकार अच्छे देख भलसे देख यहाँ कौ फर्माट्रे अच्छी जदि आम लगारे तीन गोटे कनसेप्ट आड़क जाना लगारे तीन गोटे कनसेप्ट थाए जे लॉग एम जब बेस 10 लिखाई थोड़ा इज इक्वल टू 2 देखिए तेल आम कही दिखाई जो 10^2 इज इक्वल टू एम हुए जे 10^2 इज इक्वल टू के एम हुए तो से बेसटा को रखीदे कि आम जार भैल्यू दे था पावर कर दे कि आम से डोमेनटा को भैल्यू तार डोमेन भैल्यू से बोली कही दिखते तो यही कनसेप्ट को आम इना अप्लाय करवा तो ये सेमती आम कर लिखाई थी ना लॉग 9 बाय 10 बेस एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ ठीक अच्छे मुझे ये लिखिदे के माइनस हाफ अच्छी तो आम लिखिपर बर्तमान जे एक्स पावर माइनस हाफ हो इज इक्वल टू जार भैल्यू के 9 बाय 10 एति क्लीयर हो जो कनसेप्ट तुमको यहाँ कही आसली बर्तमान यो टर्मटा ना कि टर्मटा तुमको यहाँ स्टांडार्ड फर्म को आने पड़ो स्टांडार्ड फर्म को कमी आने पड़ो कहीं कहूँ ये स्टांडार्ड फर्म ना बोली कहीं माइनस अच्छी तक पावर तो माइनसटा को प्लस करवाई आम एक्सटा को यार रेसी प्रकार नहीं जा वन बै एक्स करदे ये आराम से हो बै 2 आउ माइनस 1 बै 2 न होज इक्वाल टू के 9 बै 10 होगा इम्प्लस दैट बर्तमान 1 बै 2 अच्छी तो ये 1 बै 2 मैंने रूट ओवर एक अच्छी आर पटू गले तार कौन हो स्क्वायर होने केवल 1 बै एक्स रैल्यू के 9 बै 10 होल स्क्वायर बर्तमान 9 बै 10 होल स्क्वायर तुमको आराम से जना जे तुम्हें कौन लिखिपर ये जे 1 बै एक्स इज इक्वाल टू 9 स्क्वायर होगा 81 10 स्क्वायर होगा 100 ए बर्तमान 1 बै एक्स रैल्यू तुम पाखे के 81 डिवाइडेड बाय 100 बर्तमान तुम ये एक्स रैल्यू कह के 100 बाय 81 जोटा कि तुम डायरेक्टली ऑप्शन ले यहाँ लिखाई जे कौन ऑप्शन नंबर सी रे जे एक्स रैल्यू है 100 बाय 81
39 नंबर क्वेश्चन अच्छे इफ ए टू दि पावर एक्स इज इक्वल टू बी टू दि पावर वाई हुए देन एक भितर कौ रिलेसनशिपटा तार ठीक आसो तेब जेहेतु सबुगुड़ा लगारिथम फर्मुला देखिए आम ये दीपट सैड्रे लगटा को इंटू कर दि के कहू ना लग ए टू दि पावर एक्स इज इक्वाल टू लग बी टू दि पावर वाई बर्तमान ये आम लिखिपर एक्स जेत पावर अच्छे एक्स मल्टीप्लाई होती वाई जेत पावर अच्छे वाई ये मल्टीप्लाई होने नेक्स्ट टर्म कौन पाइबा ना एक्स इंटू लग ए इज इक्वाल टू वाई इंटू लग बी होगा तेब कौन कर एक्स वाई को गोटे सैड को नहीं आस लगार दिन टर्म गुड़ाक गोटे सैड नहीं जावा तो ये वाई टाइप को पड़े आसा कौन हो एक्स बाय वाई ये लग एटा आर पट को पड़े कौन हो लग बी डिवाइडेड बाय लग ए तो आम पाखे फाइनल सॉल्यूशन कौन आसा जे एक्स बाय वाई इज इक्वल टू लग बी बाय लग ए तो टिके देखिबा आम पाखे ना ऑप्शन ले कौन अच्छी तो ये एक्स बाय वाई फर्म्रे बाकी एनसर ये अच्छी एक्स बाय वाई फर्म्रे किंतु ये लग ए बाय बी लिखाई ठीक अच्छे आम कौन करवा एक्स बाय वाई टाक ओल्टे दि कौन हो वाई बाय एक्स तो ये भी सेमती ओल्टे जाटा तो ये हो जे वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लग बी बाय लग ए ठीक अच्छे जोटा कि आम कौन थी अच्छी ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी जो वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लग बी बाय लग ए टेन नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी अच्छी देख ये आम जितना दसटा क्वेश्चन सल्व करके आसे एमती मुहर मुहर करदे भाया दुटा क्वेश्चन अच्छे तम तुम भाविजे लगारिथम एत भी इजी क्वेश्चन पड़ो कौ कौ सिफ्ट्रे बहुत इजी क्वेश्चन पड़ जाए गोटे सिफ्ट्रे टफ क्वेश्चन पड़ जाए जो थे तुमको सल्यूशन कराया पड़ो ठीक अच्छे तो आराम से तुम्हें कनसेप्ट क्लीअर रु सब सल्यूशन देख आराम से हो तो देन ये देख क्वेश्चन लिखाई द वैल्यू ऑफ लॉग 27 बेस 3 तो यहाँ को ब्रेक करेंगे कौन हो 27 टाक लिखिपर आम लॉग लॉग 3 टू द पावर 3 बेस 3 बर्तन ये थ्रीटा आसिक मल्टीप्लाई होमें फर्दर कौन लिखिपर जे 3 इंटु लॉग 3 बेस 3 आ लॉग 3 बेस 3 एयर वैल्यू के वन तेल आम पाखे बाहर 3 इंटु वन दैट इज के 3 जोटा कि ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी देन ये 11 नंबर क्वेश्चन अच्छे जोटा कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार एटा बीडी एग्जाम रे लगारे दिन रु यह क्वेश्चन प्रत्येक सिफ्ट तुम मैक्सिमम सिफ्ट तुम्हें देखा पाइब तो यह क्वेश्चन को तुम्हें निहाती प्रैक्टिस करके जाओ आईभिया क्वेश्चन बस बस मानते बेसी तुम किसी मन रखिया नहीं बहुत इजी क्वेश्चन टे जस्ट खाली यार सल्यूशन थे देखने तुम मन रही देख व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 टू दि पावर 5 होल टू दि पावर 2 गिवेन दैट लॉग 2 रो वैल्यू 0.3010 तो ये बहुत गोटे छोट लॉजिकटे अच्छी कौन जे फास्ट ये लॉजिकटा का क्लीअर हो गोटे नंबर रे एमती अच्छी जे 2 तार एगेन पावर लिखाई 3 ताले तुम ये कौन करपर ओनली पावर उपर जो पावर अच्छी ताले 4 टू दि पावर 2 इंटू 3 तुम लिखिपर जे 4 टू दि पावर 6 बोली किंतु जदि ये लिखाई जे 4 टू दि पावर 2 होल टू दि पावर 3 लिखाई तेल तुमको ये कौन करार अच्छी ना 4 आउ 2 आउ 3 की ये मल्टीप्लाई न करी 2 टू दि पावर 3 नबार अच्छे 2 टू दि पावर 3 मीनस के हम के कह ना 8 नबार अच्छे बुझेगा से 6 नहीं थे ये कहीं ब्राकेटा ना ये ब्राकेटा जी दिखाई तार आम पावर थी क्यूब थी जहाँ थी आम से फर्माट्रे नहीं करार अच्छे बस ए लॉजिक क्लियर सेकेंड कनसेप्ट है कौन ये क्वेश्चन थी जहाँ दे डिजिट बाहर करवाई तार पछपटे तुम्हें लग लगेदेव बुझेगा तो आम ये लिखा कौन ये ना लग 4 टू दि पावर 5 होल टू दि पावर 2 बोली बर्तमान तो मुझे कहली होल टू दि पावर 2 थी कौन करना 5 रो पावर ये 2 हो जाए 25 हो आम लिखिपर ये लग ऑफ 4 टू दि पावर 25 मुझे लिखिली 10 मुझे तुमको कही ब्राकेट अच्छी बोली से मल्टीप्लाई हो ब्राकेट ना आराम से मल्टीप्लाई होता था बर्तमान 25 अच्छे 25 टाइम पावर हो सैड को पड़े आसा कौन हो मल्टीप्लाई होने लिखिपर जे 25 इंटु लग 4 बोली तो बर्तमान देख 25 इंटु लग 4 अच्छे लग 4 टाक आम आउ थे ब्रेक करना जे 25 इंटु लग ऑफ 2 टू दि पावर 2 बोली आराम से हो
एगेन देख ये टू टाइप पावर हो सैड को आसे कौन होती मल्टीप्लाई हो तेज़े पुणी लिखिपर जो 25 से ही मल्टीप्लाई से हम जो 25 इंटू 2 आम डायरेक्टली लिखिपर जो 50 बोली जे 50 लॉग 2 आ लॉग 2 वैल्यू ऑलरेडी मेंशन थिला जे 50 को 50 रहिला इनटू 0.3010 बोली तो एबे यार मल्टीप्लाई में केमती करिबा ना वर्तमान तुम्हें कौन करो 50 रु केवल 5 टा को मल्टीप्लाई करी आसे तो केते हिजिबो ना 50 जा 0 51 जा 5 50 जा 0 53 15 आ 50 मल्टीप्लाई करथिले आ गुडे एक्स्ट्रा 0 बढी जाईथांदा ठीक अछि डिवाइडेड बाय ईयर जेतु दशमी पर 4टा डिजिट अछि त हम एक रेट 4टा सुना दे देबा एपर तन ईयर दुटा सुना कटि गला त अगेन हम ताको डेसिमल फॉर्म रे केमे लिखिबा ना 15.05 बोली ठीक अछि माउथ रे क्लियर करि लिख दउ छी जे 15.05 बोली बट ये रहिला तुम आंसर 8 रे आंसर अछि त देख तुम्हें भावन जे 8 रु हमको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू गोटे लगे अच्छे ना एमती हुए नी जहाँ दिहित तार तुम्हें यही होल नंबर पट मान दशमिक्र यो दशमिक्र बाम पट घर टाक तुमको देखा बामपट घर कौन लिखाई संख्याटा 15 लिखाई 15 परवर्त संख्या नहीं जाओ मानने प्लस वन के 16 तम पाखे से 16 डिजिट ही हम बुझेगा जो क्वेश्चन आम पाखे जे 4 to the power 5 होल टू दि पार टू रेतर डिजिट अच्छे जब लग टूर भैल्यू एया हुए तो आम पाखे केत डिजिट बाहर ना 16 डिजिट आम पाखे एनसर कौन थी ना 15.50 थिला तो 15.50 मान 15 परवर्ती संख्या केते हला 16 जदि तुम पाखे आंसर ये था 12.25 ताल तुम ये केते नहीं था ना 12 परवर्ती संख्या जे कि 13 ताले 13टा डिजिट एटा को केबे भी करिया को भूलिबोनी खाली 12 बोली आंसर लिखि देबोनी 12 परवर्ती नंबर जी हबो सेटा ही सेतरा डिजिट ही थाए मन रहला एतिक बस तो 12 नंबर क्वेश्चन जेते लेंथी तार ऑप्शंस गुडा देखा होची सेते लेंथी बेर सॉल्यूशन अछि आ बहुत इजी भी है सॉल्यूशन देख इफ ए स्क्वायर प्लस 4b² इज इक्वल टू 12 ए बी देन लॉग ऑफ ए प्लस 2b इज इक्वल टू डैश तो ये जो फॉर्मेट अच्छे ना कौ कॉन्सेप्ट पड़ी डायरेक्टली ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जार फॉर्मूला में कौन जानते ना ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस 2ab तो यहीटा को आमको यही फॉर्मेट को आने को अच्छे ठीक अच्छे देख ए सॉल्यूशन कौन हम यार तो आम पाखे क्वेश्चन कौन अच्छी ना ए स्क्वायर प्लस 4b² इज इक्वल टू 12ab बर्तमान तुम्हें किसी समय कौन करो ना जो RHS साइड एटा को टिके भूली था बर्तमान आम एटा को नहीं केवल करवा तो यहीटा अच्छे कौ फर्मुले ना A² प्लस B² फर्मुले तो A² प्लस B² फर्मुला कौन थी ना ना ए स्क्वायर प्लस सॉरी भूल कहली ए प्लस बी स्क्वायर बी ए टिके ना 2b होल स्क्वायर माइनस 2 into a into b मैंने 2 into a इंटू बी है 2b इज इक्वल टू क्या सहित इक्वाल हम ना 12a आउ बी सहित बा 12ab सहित क्लीयर एतिक यटा को आम कौ फर्मेट को नहीं आसने ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मेट को ये बी किए ना 2b आउ ए है ए तो यही बर्तमान येटार भैल्यू के हम कह ना 2 × a × 2b तक ही 4ab तर यहाँ को आराम से इरेज करी या बदल लिखिपरि सेटा को 4ab बोली क्लियर बर्तमान यही 4abटा RHS साइड की पड़े कौन हो माइनस 4ab चार पट गए प्लस 4ab हो ठीक है के प्लस 4ab तो 12ab प्लस 4ab तो आम यहीपट को आराम से इरेज करदे ए केगला ना इज इक्वल टू 16ab एति के क्लीयर होगा मुझे लिखिली यहाँ को जे फर्स्ट थी 2 × a × 2b ताको मल्टीप्लाई कर दिले गला माइनस 4ab टाको आर पटको नहीं गला प्लस 4ab जो कि 12ab से आड होगा एक के 16ab बर्तमान एटी यार स्क्वायर अच्छी आर पट गए कौन हो तार रूट ओवर हो लिखिपर जे यार रूट ओवर बोली एटि मु स्क्वायर टाक इरेज करदे रूट ओवर लिखले के 4a/b रूट ओवर होमती रोक क्लीयर होगा ये तो वर्तमान देख जो ए प्लस 2b रो वैल्यू हम पाइले एठी केते ना 4ab माने 4 रो एठी रूट ab हम पाइले रूट ऑफ ab तो सेटा को नहीं क्या क्वेश्चन ले पकेबा जे हमको पचार थिला ना जे लॉग ए प्लस 2b रो वैल्यू केते वर्तमान ए प्लस 2b जगह रे मु एटा को लिख फेरिबी डायरेक्टली तो एबे लिख सेटा को जे कोन हो ना लॉग ऑफ 4
ए आ बी रि रूट ओवर रहीगला ठीक अच्छे तो ये लग एम एन जो मल्टीप्लाई होता है कौ फर्म नहीं आडिशन फर्म तेगला लग फोर प्लस ये ए रवर एटी ए उपर रूट ओवर अच्छी मानते कौन ए रवर एटी हाफ अच्छी तरह डायरेक्ट लिखिपर जो लग ए टू दि पावर हाफ प्लस लग बी टू दि पावर हाफ सब टर्म को मुझे सेपरेट करदे बर्तमान कौन कर तुम्हें लग फोर टाक ब्रेक कर जे फोर टा हो ना टू टू दि पावर टू बर्तमान टू टा आसिक लग सैड्रे मल्टीप्लाई होने आम डायरेक्ट लिखिपर जे टू इंटू लग टू प्लस एटी हाफ टा ये मल्टीप्लाई होफ इंटु लग ए सिमिलरली प्लस हाफ इंटु लग बी कहार किसी डाउट अच्छे एति पर्यंत आशा कर डाउट नोली क्या बहुत इजी थी बर्तमान यार सल्यूशन तुमको ये लग टू रद भी भैल्यू दरकार नहीं कहीं लग टू रैल्यू पकड़े आमर ये किसी भी काम आसबन तो ये आमको कौन कराया पड़ो ना ये कमन नहीं जावाक पड़ो केमन ने पड़ो देख तुम अप्सन जीक अप्सन में देखु ना सब तो हाफ ही कमन नहीं आम ये हाफ कमन नहीं जावा ये हाफ कमन नहीं गले प्रथम टर्म के ना फोर लग टू प्लस लग ए प्लस लग बी क्लियर मुझे फोर लिखिली कहीं हाफ कमन ने बर्तमान देख टू रही फोर टाक काट दिले एनसर आज टू ना तो से मुझे फोर लिखिली तो बर्तमान यही ऑप्शन कौटी अच्छी देख हाफ इंटु फोर लग टू हाफ इंटु सबुति हाफ अच्छी फोर लग टू कौटी अच्छी फोर लग टू अच्छी ऑप्शन नंबर बी रे ऑप्शन नंबर डी रे कि माइनस टर्म ना कि प्लस टर्म अच्छे कौन बी रे अच्छी बी ऑप्शन को सब मैच कर दियो फोर लग टू अच्छी प्लस लगे प्लस लगे प्लस लग भी आ माइनस हाफ बी ना सॉरी ओनली हाफ बी टी मल्टीप्लाई के अच्छे तो आम एनसर कौटा हो ना ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट एनसर यही क्वेश्चन ठीक अच्छे बहुत लेंदी थी फिर भी तुमको लगुव बहुत ही इजी समस्त को लगुव बहुत ही इजी जो मैंने कनसेप्ट टी क्लीयरेन्स जार थी देन देख ये थर्टीन नंबर क्वेश्चन में कौन अच्छी ना तो इक्वेशन लग एक्स बेस ई अफ लग वन प्लस एक्स बेस ई इज इक्वल टू जीरो कैन बी रिटर्न एज फास्ट ऑप्शन अच्छे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो तो ये सेम टू सेम से ही कनसेप्ट जेहतु यहाँ आडिशन एक अच्छे तो मल्टीप्लिकेशन फर्म्रे आनी मैंने लग एम इंटु एन फर्म्रे आम आनीपर तो ये एम इंटु एन फर्म्रे आटा के ना लग एक्स इंटु वन प्लस एक्स बेस इ तो एटा को तो तुम ये एम इंटु एन फर्माट्रे नहीं आसल कितु ये जो जीरो अच्छी ये जीरो रे जी दिमाग लगे पारा ना क्वेश्चन सल्यूशन सी करदे तो देख या पूर्व मुझे तुमको कौन कही थे जदि लग ए बेस एम थाए कि लग बी इज इक्वल टू बेस एम था दुज बेस इक्वल हेल्ले लग को लग कटि जाए डायरेक्टली आम तो लिखिपर जे ए इज इक्वल टू बी बोली ठीक अच्छे सेम टू सेम एठी तुमको जीरो दिहाई तो आर एच एस सैड्रे जो जीरो अच्छी ना से जीरो को तुमको ये लग ई फर्म को नहीं आसा पड़ो तो मुझे तुमको कही लग भे लगारिदिमे केत बेले जीरो आसे ना जदि लग वन लिखाई थाए तो जीरो बदल में लिखिपर ये कौन ना लग वन बेस ई बोली क्लियर हो गला कौन पे मुझे लिखिली ना जीरो बदल लिखिली मुझ लग वन बेस ई कहीं मोर लग ई ही अच्छी मैंने सॉरी लग रे बेस ई ही अच्छी ठीक अच्छे तो मुझे एटा को इरेज कर दूची ए साइड जो जीरो लिखाई से जीरोटा को भी इरेज कर दूची से आर एच एस साइड में कौन लिखुची ना लग वन बेस ई मोर दान लग ई जो बेस ई थी कटिगला केवल रहा किए ना एतिक इज इक्वाल टू वन तरह लिखिपर एक्स इंटु वन प्लस एक्स इज इक्वाल टू वन एक्स रहा मल्टीप्लाई कले के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वाल टू वन आर पटे वन अच्छी तो एपट को नहीं आस के यहाँ माइनस वन तो माइनस वन इज इक्वाल टू जीरो भाया ऑप्शन आमर कौटी अच्छी जे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अच्छे ऑप्शन नंबर बी रे जे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वाल टू जीरो बोली ठीक अच्छे तो ये दिमाग काम कौन जे जीरो को कन्वर्ट कर पारा लग वन बेस ई रे ठीक अच्छे तो
तो 14 नंबर क्वेश्चन देख कौन अच्छी ना इफ लॉग वाई बेस एक्स इज इक्वल टू 100 एंड लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ वाई इज डेस। तो ये आमको तेल कौन करार अच्छे ना एक्स रैल्यू किसी गोटे बाहर कर दियार अच्छी जो कि जो इक्वेशन आम ये एक्स रैल्यू पुट करदे आमको वाई बाहर बा वाई मिल जाव। तो या पूर्व आम ये कनसेप्ट भी यूज करमती कि लिखी जे लग जदि 10 टू दि पावर बी थी इज इक्वाल टू 2 लिखाई थी तेल आम लिखिपर जो बी रो स्क्वायर इज इक्वाल टू के 10 बायर एट स्क्वायरटा के 10 बोली पूरा सेम टू सेम दुईटा जाक से फर्माट को नहीं आस कौन यहीटा को लिखले कौन हम कहू ना एक्स टू दि पावर 100 इज इक्वाल टू वाई हम ये आठ के 3 टू दि पावर 10 इज इक्वाल टू एक्स हम बर्तमान। तो बर्तमान तुमको ये एक्स रैल्यू मिलगला एक्स वैल्यू को डायरेक्टली एठी नहीं पका जो वाई इज इक्वल टू के 3 टू दि पावर 10 इयर पावर के 100 तो ये 10 इंटू 100 के 3 टू दि पावर 1000 तो 3 टू दि पावर 1000 कौटी अच्छी ना ऑप्शन नंबर बी रही डी रही एक्चुअली तो मतलब रिपीट ही आउ थे ऑप्शन आउ किसी थी बाकी यही यार आंसर हम ठीक अच्छे मुझे तुमको पीडीएफ देला बेले एटा करेक्शन करके देदेवि। 15 नंबर क्वेश्चन देख इफ लॉग ऑफ एक्स टू दि पावर 4 माइनस एक्स टू दि पावर 3 रो बेस 3 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 रो बेस 3 इज इक्वल टू 3 हेले हमको एक्स रो वैल्यू बाहर करियार अछि ऑप्शन एटी अछि 1 6 3 और 9। तो देख यार सॉल्यूशन टिके जस्ट लेंदी लेंदी वाला लिखा जीवो तो आराम से एको मन रख कौन तो फास्ट हेला कौन तुम पाखे अछि ना एटी माइनस फॉर्मेट रे अछि तो लॉग ए माइनस लॉग बी केते हुए ना लॉग ए बाय बी तो आम से फर्माट लिखा ना लॉग एक्स टू दि पावर 4 माइनस एक्स टू दि पावर क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 जार बेस के 3 इज इक्वाल टू होते 3 ए टिके पूर्व तुमको कही गोटे कनसेप्ट लॉग बी रो बेस एम इज इक्वाल टू जी एन हुए तो एम टू दि पावर एन इज इक्वाल टू बी बोले कह जोटा कि लॉगरिथमर मेन फर्मूला तो से ही अनुसार आम जब एटा को लिखा तेल कौन हो ना लॉग जो ये लॉग रो जो बेस 3 अच्छी यार पावर होती ना 3 टू दि पावर 3 इज इक्वल टू एक्स टू दि पावर 4 माइनस एक्स टू दि पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 क्लीयर हो गला इतनी कनसेप्ट। अगेन ये आम सल्यूशन आम कौन कराया पड़ो ना ये जो फास्ट टर्म लिखाई न्यूमेरेटर से तुम्हें कौन करो ना एक्स टू दि पावर 3 कमन नहीं जाओ कैसे हो टर्मटा को ना एक्स टू दि पावर 3 कमन नहीं गले रही एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय तले रही सेम टू सेम एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू दि पावर 3 तो तुमको आराम से देखा हो एक्स माइनस 1 ऊपर अच्छी एक्स माइनस 1 तले भी अच्छी तो दुईटा के टर्म ये कौन कटिज रही के एक्स टू दि पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू दि पावर 3 एक्स टू दि पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू दि पावर 3 तेल एक्स रैल्यू टे कहते कहो जब कंपेयर करेंगे दु जन को ना एक्स पावर के ना एक्स रैल्यू के 3 बोली कहीं एक्स टू दि पावर 3 जब 3 टू दि पावर 3 हुए तो ये एक्स रैल्यू के दु जन कंपेयर कले ना 3 होगा ऑप्शन नंबर सी आम अच्छी। 16 नंबर क्वेश्चन देख लिखाई इफ एम इज इक्वल टू 16 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग एम बेस 2 तो ये जो लिखाई ना आम जो कहे लॉगरिथम मेन फर्मूला से आड़ को पढ़ाओ तो से ही भाया फर्माट्रे आसो जमीक आम कौन ये लिखिपर ना लॉग एम बेस 2 आउ ये एम रैल्यू पकाओ जे लॉग एम रैल्यू के 16 बेस 2 16 टाक आम ये कौन बोली लिखिपर ना लॉग 2 बेस 2 रहा ये 2 टू दुवार 4 लिखिपर कहीं बेस 2 आठ डोमेन 2 दुटा अंगे गला आम तार वैल्यू ये 1 लिखिपर तो ये 4 आस मल्टीप्लाई हो 4 इंटु ये लॉग 2 बेस 2 रैल्यू के 1 तो 4 इंटु 1 इज 4 जोटा कि ऑप्शन नंबर ए रामर अच्छी बहुत ही इजी आंसर टे यार। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी अच्छी जमीक लिखाई लॉग 20 प्लस लॉग 5 प्लस लॉग 4 प्लस लॉग 25 इज इक्वल टू डेस सब एडिशन फॉर्मेट अच्छे एडिशन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट को नहीं जावा जमीक ये के लॉग ऑफ 20 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 25 तेज समस्त को मल्टीप्लाई कर आंसर के कह ना लॉग ऑफ 20 पंचा 100 100 चौ 400 400 रे 25 गुणले आम के पाया ये ना 10000 एक रो चारटा शून 1 2 3 4 बर्तमान जो एक रो चारटा शून अच्छी आम लिखिपर ना लॉग ऑफ 10 टू दुवार 4 बोली तेल ये गला 4 इंटु लॉग 10 लॉग 10 रैल्यू के लॉग 10 रैल्यू थाए 1 तेल आम लिखिपर 4 इंटु 1
दैट इज फोर जोटा कि ऑप्शन नंबर सी रे आमर अच्छी जे फोर बोली। तो 18 नंबर रो क्वेश्चन रो सॉल्यूशन बहुत ही इजी या पूर्व ए भलिया गोटे सॉल्यूशन दिया थिला हम ताको ब्रेक करके लिखुथले। तो एठी देखो आम ए भलिया क्वेश्चन गोटे सॉल्यूशन करथिले मु तुमको से क्वेश्चन को के देखै दो छी कोन थिला आ तांको भीतर डिफरेंस ता कोन थिला। एठी log 8 रो वैल्यू दैछि log 9 रो वैल्यू दैछि किंतु आम एठी कोन यूज करथिले यार सॉल्यूशन पै केवल log 2 रो वैल्यू ही आम एठी यूज करथिले। देखो मु तुम देखै दो छी क्वेश्चन ता उथरे ए थिला से क्वेश्चन जोटा कि फास्ट नंबर क्वेश्चन थिला जो क्वेश्चन टाक केवल आम लग टू रैल्यू ही पकईकी यार सल्यूसन बाहर करते के बाहर थिला ना 3.876 बाहर थिला। ठीक अच्छे तो तुम्हारे जब भी लग टू रैल्यू टी मन न्वेश्चन भी आम लग टू रैल्यू आम बाहर करमी तुमको कहीदे। एटी आम पाखे कौन अच्छी ना लग एट अच्छी तो लग एटा को ब्रेक कर टू टू दिपार थ्री हम सरी लग एटा को ब्रेक कले आम के लिखा टू टू दिपार थ्री तो टू टू दिपार थ्री थ्री टाइम मल्टीप्लाई होते थ्री लग टू थ्री लग टू रैल्यू के 0.9030 बर्तमान ये थ्रीटा टी डिड हो तले तले आसिक तो थ्री डिड हेल्ला के 0.3010 बास पाइल ना लग टू रैल्यू तो लग टू रैल्यू पकेब जमी तरह सल्यूसन आम ब्रेक करते लग टू टू दिपार नाइन डिवाइडेड बाय लग 10 बाय 5 करके ना 10 बाय 2 करी से फर्माट्रे आस यार एनसर ये के बाहर जोटा कि यठी ऑप्शन नंबर सी रे सी रे अच्छी 3.876 बोली। ठीक अच्छे 19 नंबर क्वेश्चन में कौन अच्छे ना लॉग ऑफ 125 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 8 बेस 10 इज इक्वल टू डैश। तो देखो ये 125 को हम ब्रेक कर परिबा 8 को भी ब्रेक कर परिबा केमती ना लॉग ऑफ 5 टा को लिखि परिया 5 रो क्यूब 125 को बेस 10 को बेस 10 प्लस लॉग 8 को लिखि परिबा 2 टू द पावर 3 बेस 10 को बेस 10 इज इक्वल टू 3 एठी भी मल्टीप्लाई हो 3 एठी भी मल्टीप्लाई हो गले आंसर कौन हो 3 लॉग 5 बेस 10 प्लस 3 लॉग ऑफ 2 बेस 10 ये 3 कॉमन नहीं आस के हम ना लॉग 5 बेस 10 प्लस लॉग 2 बेस 10 बोली। वर्तमान ये लास्ट टर्म को तुम ये लक्ष्य कले कौन देखिपार जेठी आम पाखरे एटी प्लस फॉर्मूला अच्छे आराम से मल्टीप्लाई फॉर्म को नहीं आसपर तेजी एटी 3 इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू 2 बेस 10। ठीक अच्छे तो 5 इंटू 2 यार मल्टीप्लिकेशन टा के हम ना 3 को 3 रहा इंटू लॉग 5 दुने 10 ये रहा बेस रहा 10 ए बर्तमान देख बेस 10 आउ 10 अच्छी तो यार भैल्यूटी के ना वन हो तो 3 इंटू 1 यार आंसर के ऑप्शन नंबर डी जोटा कि अच्छे 3 बोली। क्लीयर हो गला लास्ट क्वेश्चन आम आज पहुंची आज क्लास क्वेश्चन ये कौन अच्छे ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 50 गिवन दैट लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010। देख लॉग 2 रो वैल्यू जदि दे भल कथ न देते तो भलसे मन रखे लॉग 2 रो वैल्यू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्यूशन ले आसे। तो ये क्वेश्चन अनुसार था कौन ना लॉग 50 लॉग 50 को आम ब्रेक कर परिबा ना लॉग 100 डिवाइडेड बाय 2 बोली देन जेहेतु डिवाइड हो तेने लॉग 100 माइनस लॉग 2 लिखि परिबा कहीं लॉग ए बाय बी जे किए हुए ना लॉग ए माइनस लॉग बी बर्तमान देख 100 को आम ब्रेक कले के हम ना लॉग 10 टू द पावर 2 माइनस लॉग 2 को लॉग 2 रहा टूटा टे मल्टी ना पावर एक अच्छे टेस्ट मल्टीप्लाई हम 2 इंटू लॉग 10 रो वैल्यू के ना 1 माइनस लॉग 2 रो वैल्यू के 0.3010 तो 2 रु माइनस 3010 कले यार एठी आंसर तुम ये के 1.699 जोटा कि ऑप्शन नंबर ए रे आमर अच्छे तुम्हें निजे माइनस कर देखते हो आराम से आंसर यार पाइज। तो ये थिला आजर पूरापूरी लगारिदिम 20 क्वेश्चन खूब शीघ्र यार सेकेंड पार्ट भी आम नहीं आसवा एंड जेहेतु एग्जाम कम दिन रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत गोटे इंपोर्टेंट रोल अच्छी आम एग्जाम पर आराम से समस्ते बिंदा से कि पढ़ मैथ आदो भी चिंता करनी सेमती अलग कौन सी क्वेश्चन सीरीज भी मुझे आने चेस्टा करमी फिर भी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निजे निजे सल्व करू था सहित कनसेप्ट को ना निजर क्लीयर रख आउ गोटे कथा फिजिक्स आउ केमिस्ट्री प्रोब्लेम माने बीड़ रे बहुत टॉप लेवल ले आसुच्छे तेणुक निजक भलसे प्रिपेरेसन कर कहीं 20 मार्क रो जदि
ଏଇଥିରୁ ପାଖାପାଖି 11-12 ଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ 11-12 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମେ ଏଠି ଛାଡ଼ିବ ମାନେ ଏକରେ ତ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ବି ଯିବ, ଯଦି ବି ଭୁଲ କରିକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କୌଣସି କଲ, ତା ସହିତ ଯଦି ବି କିଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବି ନ କରୁଛ ନା, ଏମିତିରେ ବି ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା ପଳାଇବ। ତ ମାର୍କ ଉଠାଇବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଟ୍ କମ୍, ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବି ବହୁତ ତୁମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହାର ଯେଉଁ PDF ଅଛି ନା, ତୁମକୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତାର PDF ମିଳିଯିବ। PDFର ଲିଙ୍କ ବା ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପୁରା ପୁରୀ ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିନେବ। ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିନେବ ନା, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିନେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ୍ଲାସ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ତୁମକୁ ସେଇଠି ହିଁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆମେ ବହୁତ ଦରକାର କରୁଛୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ।